जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 10 भोजन बनाना को आगे से अध्ययन करेंगे। कौन सा पाठ है? भोजन बनाना। खाद्य सामग्री क्या है? खाद्य सामग्री, आप सभी ने घर में खाना बनाते हुए देखा होगा, खाना बनते हुए देखा होगा, आप सभी ने घर में खाना बनते हुए देखा होगा। क्या सभी प्रकार का खाना एक ही प्रकार के कच्चे सामान से तैयार किया जाता है? नहीं, खाने के व्यंजन अलग अलग कच्चे सामान से तैयार किए जाते हैं। क्या सभी प्रकार का खाना एक ही प्रकार के कच्चे सामान से तैयार किया जाता है? नहीं, खाने के व्यंजन अलग अलग कच्चे सामान से तैयार किए जाते हैं। पता कीजिए और लिखिए क्या है खाने की चीज़ों के नाम इधर और यहाँ आवश्यक कच्ची सामग्री। यहाँ तो खाने की चीज़ें और उनमें कौन सी कच्ची सामग्री डाली जाती है वो इधर हमें लिखना है। जैसे पहला लिखा हुआ है रोटी, तो रोटी में आटा, पानी एवं नमक, ये कच्ची सामग्री आती है। फिर आता है पूड़ी, पूड़ी में आटा, पानी, पूड़ी में क्या आएगा? आटा, पानी, तेल और नमक। ठीक है, आटा, पानी, तेल और नमक, ये आता है पूड़ी में। ठीक है, किस में डाला जाता है? पूड़ी में, कच्ची सामग्री। फिर आता है आलू की सब्जी, आलू की सब्जी में क्या होता है? एक तो हो गया आलू, मसाले, नमक, जल और तेल। आलू की सब्ज़ी में आलू, मसाले, नमक, जल और तेल, ये कच्ची सामग्री आती है। फिर आता है खिचड़ी, तो खिचड़ी में दाल, चावल, मसाले और नमक। फिर आता है दलिया, दलिया में दलिया, पानी, मसाले और नमक। दलिया, पानी, मसाले और नमक। ठीक है, वापस देखो बच्चों, खाद्य सामग्री, आप सभी ने घर में खाना बनते हुए देखा होगा। क्या सभी प्रकार का खाना एक ही प्रकार के कच्चे सामान से तैयार किया जाता है? नहीं, खाने के व्यंजन अलग अलग कच्चे सामान से तैयार किए जाते हैं। जैसे खाने की चीज़ों के नाम और आवश्यक कच्ची सामग्री। पहला है रोटी, तो रोटी में आटा, पानी एवं नमक काम में आता है। कच्ची सामग्री कौन सी काम आती है? आटा, पानी एवं नमक। फिर है पूड़ी, तो पूड़ी में आटा, पानी, तेल और नमक। पूड़ी में क्या कच्ची सामग्री काम आती है? आटा, पानी, तेल और नमक। फिर आलू की सब्जी में आलू, मसाले, नमक और जल और तेल। आलू की सब्जी में आवश्यक कच्ची सामग्री कौन सी है? आलू, मसाले, नमक और जल और तेल। फिर आती है खिचड़ी,
तो खिचड़ी में आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है? खिचड़ी में आवश्यक कच्ची सामग्री है दाल, चावल, मसाले और नमक। खिचड़ी में आवश्यक सामग्री क्या है कच्ची? दाल, चावल, मसाले और नमक। फिर है दलिया। दलिया में आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है? दलिया, पानी, मसाले और नमक। दलिया, पानी, मसाले और नमक, ये कच्ची सामग्री इन खाने की चीज़ों के काम आती है। ठीक है, जय श्री कृष्णा।